चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, अनदर पार्टिकल इज थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द वर्टिकल। पिछली बार हॉरिजॉन्टल से, इस बार वर्टिकल से। देखो दो सिचुएशन है, पहले यू वेलोसिटी अल्फा एंगल से थ्रो किया जा रहा है, दूसरे सिचुएशन में सेम वेलोसिटी है यू, लेकिन इस बार अल्फा एंगल वर्टिकल से लिया जा रहा है। तो फ्लाइट टाइम का इक्वेशन क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा है, यहाँ पर थीटा की जगह कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर यहाँ थीटा की जगह अल्फा होगा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये वैल्यू अगर फ्लाइट टाइम की वैल्यू निकाला जाए तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी यहाँ पर कितना होगा, इसको थोड़ा सा t2 इज इक्वल टू 2u sin 90 माइनस अल्फा बाय जी, ये कितना हो जाएगा 2u cos अल्फा बाय जी। तो t1 बाय t2 कर देते हैं, 2u sin अल्फा बाय जी अपॉन 2u cos अल्फा बाय जी, 2u से 2u कटा, ये भी जी है, ये भी जी है, तो sin अल्फा बाय cos अल्फा tan अल्फा हो जाएगा। तो t1 बाय t2 की वैल्यू क्या आ गई, tan अल्फा बाय 1, tan अल्फा बाय 1। सी वाला ऑप्शन ज्यादा प्रोपेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।